तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो खराब हो गया है, सिर्फ छोटी सी उसमें दिक्कत आई है और आप ले जाते हो उसको सर्विस सेंटर कि चलो अपना फोन को बनवा लेते हैं, और आपको पता चलता है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो बना नहीं बल्कि और भी ज्यादा बिगाड़ दिया गया है, तो आपको कैसा लगेगा? तो यहाँ पे दोस्तों, आजकल मार्केट में यही चीज चल रही है और यहाँ पे कंपनीज तो पहले ही कह देते कि भैया देखो, ये जो स्मार्टफोन है इसकी इतने दिनों के लिए वारंटी है, अगर आपने कहीं और इस फोन को रिपेयर करवाया तो आपकी जो वारंटी है वो चली जाएगी। तो दोस्तों, आप कहीं और तो बनवा नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा उसी सर्विस सेंटर। तो लेकिन अगर आप अपना जो फोन है उसको उस कंपनी के सर्विस सेंटर में लेके जाते हो कि ये लो भैया मेरा फोन खराब हो गया, वारंटी पे मुझे बना के दो, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका फोन बनाते नहीं है बल्कि और भी ज्यादा बिगाड़ देते हैं, और इतना ज्यादा बिगाड़ देते हैं कि वो लोग आपसे कहते हैं कि आपका जो फोन है इसको बनने में इतना ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन दोस्तों, वो खर्चा इतना ज्यादा होता है कि उसमें आपका जो स्मार्टफोन है वो बिल्कुल नया एक और आ जाएगा, तो आखिर आप फोन को क्यों बनवाओगे? तो आखिर दोस्तों, ये कंपनी यही चाहती है कि आपका जो स्मार्टफोन है जब भी आपका फोन जो है वो खराब वगैरह हो जाए तो आप बल्कि वही फोन को रिपेयर ना करो बल्कि एक नया फोन ले लो ताकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाए। लेकिन लोग भी काफी ज्यादा चालाक होते हैं भैया, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उस कंपनी का फोन खरीदते नहीं है लेकिन दूसरे कंपनी का फोन खरीद लेते, चाहे उनके जो पैसे थोड़े से लॉस जरूर हो जाते हैं लेकिन वो लोग दूसरे कंपनी के फोन वगैरह खरीद लेते हैं, जो लोग मतलब थोड़े दिमाग वाले होते हैं। बाकी लोग दोस्तों की ये यही कंपनी मुझे पसंद है तो वही कंपनी का ही फोन खरीदते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी नॉर्मल फोन के शॉप में जाते हो, हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ लेकिन कुछ जगह पे ऐसे जरूर से होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप अपना फोन लेके जाते हो और आपको पता चलता है कि आपके फोन में वो वाला पार्ट जो कभी खराब हुआ ही नहीं था वो अचानक से खराब हो गया, तो आखिर ये कैसे होता है? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इसी दुकान पे जाते हो जहाँ पे ना कोई पहचान ना कोई मतलब ब्रांडिंग वगैरह है, तो वहाँ पे होता क्या है कि आपके जो पार्ट से फोन के वो चुरा लिए जाते हैं। अब इस तरह से चुराया जाता है दोस्तों कि आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि मान लीजिए उसके पास कोई ऐसा पार्ट पड़ा हुआ है जो कि आपके फोन में लगा हुआ है और वो पार्ट आपके फोन वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं उस पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं उस पुराने वाले से या फिर खराब वाले से, उसके बाद कहते हैं कि ये भैया आपका फोन है ये रिपेयर नहीं ही हो सकता है। तो ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं आपके फोन के जो पार्ट वगैरह है ये चुरा लेते हैं। अब दोस्तों, एक चीज और है, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी फेस्टिवल्स वगैरह आती है, दिवाली दशहरा, तो यहाँ पे होता क्या है, जो फोन होता है उस पर एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह रखा जाता है। तो इस एक्सचेंज ऑफर में होता ये है कि जब भी आप कोई नया फोन खरीदोगे, अगर आपको जो पुराना वाला जो फोन है उसको अगर आप दे देते हो तो आपको कुछ नए वाले फोन पे डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों, ये कंपनीज आखिर आपको पुराना फोन लेके या फिर करता क्या है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे होता ये है कि आपको जो फोन है पुराना वाला जो फोन आप एक्सचेंज करते हो, वो फोन अगर कुछ हद तक चलता वगैरह है तो उसमें क्या करते हैं, जो नहीं चलता है उसको रिपेयर कर देते हैं, उसके बाद फिर से उसको सस्ते दाम में मार्केट में बेच दिया जाता है। लेकिन आपका फोन अगर बिल्कुल ही खराब है, सिर्फ उसमें कुछ ही पार्ट्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं, बाकी हर एक चीज डिस्प्ले फूटा हुआ है, हर एक चीज खराब हुआ पड़ा है, तो वो लोग कंपनीज क्या करती है, वही जो फोन होता है जो पुराने फोन्स वगैरह होते हैं आपके फोन में से पार्ट्स निकाल के उस फोन में लगा दिया जाता है ताकि वो वाला जो फोन है वो चले। और ऐसे करते करते आपके फोन के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी अच्छी तरीके से चलते हैं, उन सभी पार्ट्स को निकाल लिया जाता है और जिस फोन में वो पार्ट खराब होता है उस फोन के अंदर उस पार्ट को फिक्स कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये चीज़ें वगैरह होती है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से यहाँ पे कंपनीज आपके साथ फ्रॉड करती है जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंपनीज पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में हमारे साथ ही फ्रॉड करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना और टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।